महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में थी। शिवसेना ने हिंदुत्व के एजेंडे पर जनता से वोट मांगी और चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी सरकार बनाने को लेकर खींचतान चलती रही। शिवसेना को लगा कि वो बीजेपी से मोल भाव कर सकती है, तो संजय राउत बीजेपी पर निशाना साधने लगे और फिर शिवसेना की ओर से सीएम पद की मांग होने लगी। बीजेपी ने जब सीएम पद देने से मना कर दिया तो शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया और शिवसेना जिस कांग्रेस को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को लेकर कोसती रही, आज उसी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे सत्ता का स्वाद चखने जा रहे हैं। शिवसेना ने सीएम पद के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन इसका असर अब शिवसेना के अंदर ही दिखने लगा है। शिवसेना के एक नेता ने उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के साथ जाने के फैसले के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। आपको बता दे, शिवसेना के नेता रमेश सोलंकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रमेश सोलंकी ने शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करके शिवसेना पर निशाना साधा। सोलंकी ने ट्वीट कर लिखा, मैं शिवसेना और युवा सेना पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं उद्धव ठाकरे और आदि भाई का शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने मुझे मुंबई, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लोगों का सेवा करने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और लिखा, पिछले कुछ दिनों से लोग मेरे पक्ष के बारे में सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तरीके से मैं बता दूं कि जो मेरे श्रीराम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं है। इसके बाद रमेश सोलंकी ने आदित्य ठाकरे को एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपके साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, जय श्री राम। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करके कहा कि 1992 में मैं 12 साल की उम्र में बाला साहेब से काफी प्रभावित हुआ और औपचारिक तौर पर 1998 में शिवसेना से जुड़ा और अब तक लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा। इस दौरान मैंने कभी पार्टी से कोई टिकट की मांग नहीं की। ऐसी खबर है कि शिवसेना के इस फैसले से रमेश सोलंकी जैसे कई शिव सैनिकों को चोट पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।